हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो मैं बात करने वाला हूँ कि वोम हीरोज उस हानवा ईगल्स बेसबॉल मैच के बारे में। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्रकार पिक करना है, किस प्रकार ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आएगी, हमारा टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम चैनल होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ विजन 11 को डाउनलोड करना है। जो विजन 11 है यहां पर कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है, एंट्री फीस काफ़ी कम है, जीतने के हाई चांसेस है। और अगर आप मेरी लिंक से डाउनलोड करेंगे और रेफर को डालेंगे टीटी प्लेइंग तो 300 का वैलिड बैलेंस मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, ये मैच हमारा अल्ट्रा कलीनशिप गया है दोस्तों, और मैं ट्राई करूँगा कि जो आगे के मैच हो वो भी हमारे अल्ट्रा कलीनशिप ही हो। तो दोस्तों, अब मैं बात करूँगा कुछ स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच दिन में 3 बजे 27 अप्रैल वेडनेसडे को होने वाला है। इसके वेन्यू के बारे में बात करूँ तो इसका वेन्यू का हैनबर्ट बेसबॉल स्टेडियम। वेदर बिल्कुल क्लीन रहेगा, बारिश की बिल्कुल भी चांस नहीं है। कुछ फंटेसी टिप्स जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों, दोनों ही कैचर काफ़ी अच्छे से होने वाले हैं दोस्तों। जो चोई जाय हून है वो ज़्यादा बढ़िया चोइस रहने वाली है, तो आपको ट्राई करना है। आप दोस्तों जाय हून कम्युनिटी में एज अ कैचर पिक करके चल रहे हों। और दोस्तों, आपको टाइलर एप्पल और हान जुनजू ये आपको पिचिंग करते दिखने वाले हैं। और जो कीवोम हीरोस है वो हानवा ईगल से ज़्यादा अच्छी अच्छी टीम होने वाली है, तो आपको ट्राई करना है। आप दोस्तों कीवोम हीरोस से ज़्यादा प्लेयर पिक करके चल रहे हों जिससे आपके जीतने के चांस बढ़ेंगे। सम्बोलिक चॉइस के बारे में बात करूँ तो के आई एस आप दोस्तों हाइसंग की तरफ जा सकते हैं, जुन हो की तरफ जा सकते हैं, सी हवान की तरफ जा सकते हैं और दोस्तों माइक टॉसमैन की तरफ जा सकते हैं, जो आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चॉइसेस हो सकती है। और मैं बात करूँ ग्रैंड लीग के बारे में तो ग्रैंड लीग के दोस्तों आप ब्यंग हो की तरफ जा सकते हैं, टायर एपलर की तरफ जा सकते हैं, सुंग जू की तरफ और फिर दोस्तों चोंग जन की तरफ जा सकते हैं, जो आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी और काफ़ी बड़ी बड़ी चॉइसेस हो सकती है। मैं बात दोस्तों कुछ की प्लेयर्स के बारे में तो कि वो मेरे से सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, जुंग हो एक काफ़ी बढ़िया चॉइस रह सकती है, आप इन्हें अपनी टीम में पिक करके चला सकते हैं। दोस्तों योंग क्यू एक एवरेज चॉइस रहेगी, हाइसंग भी एक काफ़ी बढ़िया चॉइस रहने वाली दोस्तों, और जियोंग भी एक एवरेज चॉइस रहने वाली है। और मैं बात करूँ हानवा ईगल्स के बारे में दोस्तों, टाइगन एक एवरेज चॉइस रहेगी, उन्होंने काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी, जूस एक एवरेज चॉइस रहेगी दोस्तों, सी हवान काफ़ी बढ़िया चॉइस रहेगी और जाय हूं तो एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहने वाली एज अ कैचर के लिए। अब बात दोस्तों बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले देख लीजिए कीवोम हीरोज़ की प्रोबेबल प्लेइंग परफॉर्मेंस को, जो एक काफ़ी बड़ी चॉइस दोस्तों, काफ़ी बड़ी चॉइस, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा किया, क्योंकि एक एवरेज चॉइस रहेगी। ये एस एल पी दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहने वाली है, चैन योग भी एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी और जो हाई संगाना का जो परफॉर्मेंस अभी तक का काफ़ी अच्छा खासा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कीवोम हीरोज़ वो ज़्यादा बड़ी टीम रहने वाली, तो क्रेडिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो लेस इन्वेस्टमेंट या फिर दोस्तों आप स्किप करके भी चल सकते हैं। और बात करूँ हानवा ईगल्स के बारे में, टैन दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, टॉसमैन एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहने वाली है, उन्होंने दोस्तों चॉइस तो काफ़ी बड़ी है लेकिन जो परफॉर्मेंस है काफ़ी डाउन है। जोसू भी दोस्तों काफ़ी बड़ी चॉइस, मतलब मेरा मतलब दोस्तों जोसू एक काफ़ी बड़ी चॉइस दोस्तों, काफ़ी बड़ी चॉइस लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल डाउन है। दोस्तों सी हवान एक आप जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करूँ तो कीवोम हीरोज़ दोस्तों जेंग हो, हाइसंग और जू हुंग की तरफ जा सकते हैं, और हानवा ईगल्स है दोस्तों टायन उनवन और जोसू की तरफ जा सकते हैं, जो आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी बड़ी चॉइस रह सकती है। तो दोस्तों आपके सामने है कीवोम हीरोज़ की स्क्वाड, आप इसको पोज करके पढ़ सकते हो, और आपके सामने हानवा ईगल्स की स्क्वाड, क्योंकि मैं बात करूँगा सीधे प्रोबेबल प्लेइंग 9 के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए कीवोम हीरोज़ की प्रोबेबल प्लेइंग 9 को, जुंग हो एक काफ़ी बड़े चॉइस रह सकते हैं, आप इन्हें पिक करके चला सकते हैं। योंग की एक एवरेज चॉइस रहने वाली दोस्तों, ये सिर्फ पिक दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, चैन योग दोस्तों एक अच्छी खास चॉइस रह सकती है, हाइसंग भी काफ़ी बड़े चॉइस रहेगी दोस्तों, ब्यंग वो आपका पिक करके चला सकते हैं, और जुंग भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है, सुंग दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, टाइलर एप्पल भी काफ़ी अच्छी चॉइस रहने वाली है। तो दोस्तों ये थी आपके सामने कुछ कीवोम हीरोज़ की प्रोबेबल प्लेइंग 9। अब मैं बात करूँगा हानवा ईगल्स की प्रोबेबल प्लेइंग 9 के बारे में, तो सू कोंग दोस्तों एक एवरेज चॉइस रहेगी, जोग जैन एक एवरेज चॉइस रहेगी, टायन एक काफ़ी बड़ी चॉइस रही दोस्तों, माइक टॉसमैन एक काफ़ी बड़ी चॉइस रही दोस्तों, उन्होंने और जोसुक तो इस मैच की सबसे बड़ी शॉप कह के चल सकते हैं। सीवान दोस्तों ड्रॉप कर देना, इनको देखते हो इनको भी ड्रॉप करके चले, बाकी दोस्तों चॉइस जोन काफ़ी परफॉर्मेंस रह सकता है, बाकी आज के मैच में इनके प्ले करने के भी काफ़ी कम चांस रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 9। अब मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में, इस मैच की ड्रीम टीम मैं बना चुका हूँ जो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ड्रीम टीम तो उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ
कि आपको अपनी टीम के लिए कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करके चलना है। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो बेटा पॉइंट तक कुछ कर लेनी है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करूँगा ऑफील्डर सेक्शन से। जुंग हो एक काफ़ी बढ़िया दोस्तों, काफ़ी बड़ी चॉइस, इनका जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो हम इन्हें पिक करके चल सकते हैं। बाकी दोस्तों मैं पे टाइन को भी पिक करके चलना चाहता, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रेडिट को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, प्लस दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी डाउन लेवल पर जा चुका है। दोस्तों वॉन जूनियर, इनका जो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा सा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो लास्ट सीजन उन्होंने प्ले किया था दोस्तों, जो लास्ट सीजन था वहाँ पर एक दो होम रन उन्होंने लगाए थे और एक एवरेज परफॉर्मेंस देकर जा सकते हैं दोस्तों। पियो की काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी, इस प्लेयर ने अपने पोटेंशियल से भी ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे पिक किया है चैन ह्योक को। दोस्तों मुझे लग नहीं था कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, और दोस्तों प्ले करते हैं तो आप ग्रैंड लिंगमिन को कैप्टन या फिर वॉइस कैप्टन चूज करके चल सकते हैं। इनफील्डर सेक्शन दोस्तों हायसोंग एक काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी, और मैं इनको अपनी टीम में कैप्टन चूज करके चलने वाला हूँ। बाकी सीहवान दोस्तों मैं इनको अपनी टीम से ड्रॉप लेके चलना चाहता था, लेकिन जो परफॉर्मेंस है दोस्तों इनको ड्रॉप करके नहीं चल सकता, चॉइस भी काफ़ी अच्छी रह सकती है, तो हम इन्हें पिक करके चल सकते हैं। और दोस्तों होजुंग बेक काफ़ी अच्छी सोच रह सकती है। और फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट को लेकर मैंने इनको पिक नहीं किया है, आप सोच रहे क्रेडिट इशू करंट पिक किया, मैंने इसलिए पिक किया दोस्तों जो पिछला सीजन था वहाँ पर इनका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी अच्छा था, और लास्ट को तो मैं प्ले नहीं कर, लेकिन आज के मैच में इनके जो प्ले करने के चांस कुछ ज़्यादा रहने वाले हैं। पिछले दोस्तों जो कुछ प्ले करेंगे तो कैप्टन चूज के चलने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर कोई अच्छा खासा पिचर प्ले कर रहा हो तो बिना किसी टेंशन कैप्टन बना दीजिए, 80% कॉन्टेस्ट आप एक तरफा विन कर जाएंगे, और 20% जो लॉस होगा दोस्तों वो केवल पिचर के कारण, क्योंकि दोस्तों पिचर आपको माइनस में लेके जा सकता है अगर पिटाई हो जाती है तो। और कैचर दोस्तों मैं डोंग मोहन को लेकर चल रहा हूँ दोस्तों, बाकी चाहे जो उन्होंने काफ़ी बड़े सोच रह सकती है, जो परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन है, तो दोस्तों इनको पिक करके नहीं चलूँगा। अगर प्ले भी करते तो अगर कोई अच्छा खासा पिचर प्ले कैचर प्ले नहीं करता है तो उनको पिक करके चल सकता हूँ, अदरवाइज दोस्तों मैं डोंग मोहन को पिक करके चलने वाला हूँ। टीम का प्रयोग कर लीजिए, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उस टीम में 4 आउटफील्डर, 3 इनफील्डर, 1 पिचर और 1 कैचर को चूज किया है। जो मेरी कैप्टन चॉइस है वह हायसंग, जो काफ़ी अच्छी चॉइस रह सकती है, और जो मेरी वॉइस कैप्टन चॉइस दोस्तों वह सीहवान। बाकी दोस्तों सीहवान को जो मेरी फाइनल वहाँ पर इनको ड्रॉप भी करके चला सकता हूँ, क्योंकि जो प्ले करने के चांस है आज में से काफ़ी कम रहने वाले। मैं आपको बता दूँ कि इस टीम में जो भी चेंज, इस टीम में जो भी अपडेट होगा आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही पता लगेगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तब तक मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।